दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर वीडियोकॉन D2H को मोबाइल के द्वारा सेट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से दोस्तों आपकी डिश बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजीली से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी डिश हैं जिसको मैं आज मोबाइल के द्वारा सेट करने वाला हूँ, और ये डिश मेरी अभी फ़िलहाल कहीं पर भी सेट नहीं है। इसी डिश को दोस्तों आज हम एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा वीडियोकॉन D2H के एंगल पर सेट करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेटअप बॉक्स और टीवी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मोबाइल के द्वारा आसानी से आप अपनी डिश को वीडियोकॉन D2H पे सेट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं कम्प्लीटली सेटअप लेके आया हूँ, टीवी वगैरह सेटअप बॉक्स सब लेकर के आया हूँ, ताकि दोस्तों सिग्नल आने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ कि मुझे मोबाइल के द्वारा यहाँ पर सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियोकॉन D2H के सेटेलाइट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरे सेटअप बॉक्स में, और एक फ्रीक्वेंसी उसकी निकाल के रखता हूँ, ताकि जैसे ही हमको सिग्नल मिलेगा तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमको मोबाइल के द्वारा यहाँ पे सिग्नल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं वीडियोकॉन D2H के सेटेलाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक चैनल की फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे निकाल के रख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फ्रीक्वेंसी निकाल ली है वीडियोकॉन D2H की। अब दोस्तों मोबाइल के द्वारा हम हमारी डिश को वीडियोकॉन D2H के एंगल पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो LNB लगी होती है डिस्क के ऊपर, उसका हम स्क्यू एंगल सेट करेंगे। वीडियोकॉन D2H के लिए दोस्तों LNB को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के रखना होता है, जैसा कि हम D2H के लिए रखते हैं उससे हल्का सा नीचे की साइड आपको LNB को इस बार रखना है। तो ये हमारी वीडियोकॉन D2H के लिए LNB की सेटिंग हो गई। अब दोस्तों मोबाइल के द्वारा वीडियोकॉन D2H को सेट करने के लिए सबसे पहले हमारा मोबाइल लेना है, और उस मोबाइल में हमारा इंटरनेट और जो लोकेशन है उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपना मोबाइल लेना है और मोबाइल के प्ले स्टोर को खोलना है, और प्ले स्टोर को खोलने के बाद दोस्तों इसका जो सर्च बॉक्स है उसमें आपको टाइप करना है सैटेलाइट डायरेक्टर, और इस सैटेलाइट डायरेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे सर्च करना है। जैसे इसको सर्च करते हो तो दोस्तों आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन खुल के आ जाती है। तो सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उसके बाद में इसको ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन हमारी लोकेशन ट्रेस करती है और डिश सेट करने में हमारी मदद करती है। तो जैसे हमारी यहाँ पर लोकेशन सही से ट्रेस हो जाएगी तो यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन हमारा लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड को ट्रेस करती हैं और सही से हमारी लोकेशन यहाँ पर ट्रेस करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमारी जो लोकेशन है वो सही से ट्रेस हो चुकी है, और अब दोस्तों हम इस स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इस स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं तो हमारे सामने यहाँ दुनिया भर के सैटेलाइट की लिस्ट आ जाती है। इसमें से दोस्तों किसी भी सैटेलाइट पे आप अपने डिश को सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी हम वीडियोकॉन D2H को यहाँ पे सेट करने वाले हैं मोबाइल के द्वारा। तो यहाँ पर हमें वीडियोकॉन D2H का सैटेलाइट सर्च करना है, यानी कि इसमें ढूंढना है और सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियोकॉन D2H के लिए हमको सैटेलाइट यहाँ पर ढूंढना है ST2, जो कि हमको 88 डिग्री पर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ST2 सैटेलाइट मिल चुका है। सिंपली दोस्तों इस सैटेलाइट को हमको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है। तो जैसे ही स्क्रीन को दोस्तों हम लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है। अब दोस्तों क्या करना होता है कि हमें हमारे मोबाइल को इस डिस्क के ऊपर रखना होता है और फिर डिस्क को धीरे धीरे घुमाना होता है और इस ब्लू कलर की बॉल को इस खाली गोल घेरे के बीच में लाना होता है। तो आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे मोबाइल को डिस्क के ऊपर रखना है और कैसे डिस्क को घुमाना है। तो जैसे दोस्तों ये बॉल इस खाली गोल घेरे के बीच में आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारी डिस्क जो है वीडियोकॉन D2H पे सेट हो चुकी है और वहाँ पर हमको सिग्नल मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डिस्प्ले में मोबाइल को रखना है और कैसे यहाँ पर डिस्क को घुमाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल को आप चाहें तो जो डिस्क की LNB होती है उसके ऊपर रख सकते हैं बिल्कुल सीधा, और या फिर आप चाहें तो इसका जो लीवर होता है उसके ऊपर रख सकते हैं पैरेलल में, और या फिर साइड में भी आप इसके पैरेलल में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस लोहे के एंगल के साथ मोबाइल टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी डिस्क प्रॉपरली सेट नहीं होगी। तो अब सिंपली हमारे मोबाइल को दोस्तों इस LNB के लीवर के पैरेलल में हम लगा लेते हैं साइड में, और फिर दोस्तों डिस्क को घुमाते हैं धीरे धीरे और इस बॉल को इस खाली गोल घेरे के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बॉल खाली गोल घेरे के बीच में आ जाएगी तो यहाँ पर हमारी जो डिस्क है वो वीडियोकॉन D2H के एंगल पे सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों मैं डिस्क को घुमा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बॉल जो है खाली गोल घेरे के बीच में आ जाए।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बॉल जो है खाली गोल घेरे के बीच में आ चुकी है, यानी कि दोस्तों अब हमारे जो डिश हैं वो वीडियोकॉन D2H के एंगल पे यहाँ पे सेट हो चुकी है और मुझे यहाँ पे दोस्तों इसका सिग्नल भी मिल चुका है। अगर किसी कारण से दोस्तों आपको सिग्नल नहीं मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी डिश जो है यहाँ पे 99% सेट हो चुकी है। हल्का सा अगर डिस्क को इधर उधर करोगे तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम टीवी स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिग्नल मुझे यहाँ पे मिला है या फिर नहीं मिला है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकाली थी उसमें मुझे सिग्नल मिल चुका है बहुत ही आसानी से 53% के आसपास। अब दोस्तों हमें हमारे डिस्क को थोड़ा सा और अलाइनमेंट करना होगा और यहाँ पर मैक्सिमम सिग्नल लेकर के आना है और उसके बाद सिंपली हमारे डिस्क को टाइट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा आसानी से हमारे डिस्क को जो है वीडियोकॉन D2H के एंगल पे सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो में।